नमस्कार किसान भाइयों, आज के एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको ऐसे किसान भाई से मिलवाना चाहता हूं जो ट्रैक्टर तो यूज़ कर रहे हैं सोनालिका का, लेकिन इनके पीछे इनकी ऐसी ऐसी बातें जो आपको भी काफ़ी मदद मिलेगी ट्रैक्टर का चुनाव करने के लिए, और साथ ही ट्रैक्टर को किस तरीके से लिया जाता है उसे समझने के लिए। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार, और मेरे साथ आज रहेंगे रेखराम भाई। नमस्कार भैया जी, कैसे हो? बढ़िया भैया। रेखराम भैया जी, एक से पहले आपके पास कौन से ट्रैक्टर रही से, और सोनालिका DI-35 के चुनाव आप काबर कर रहे हो, उसका जानकारी दो भैया। एकर पहले मेरे पास HR ट्रैक्टर रही से, और वो में ना बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक प्रॉब्लम रही से, एक वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। 3 साल हो गए इस मोला, और 3 साल में ही हाइड्रोलिक प्रॉब्लम आ गए, तो मैं सोचे हूँ कि ये गाड़ी है मोल लिए ठीक नहीं है करके ना ओला एक्सचेंज करे हूँ मैं। अच्छा। तो सोनालिका ट्रैक्टर रखे हुए हैं। एक्सचेंज करके सोनालिका DI-35 लाए जी। आईसर के कौन से ट्रैक्टर रही से आपके पास? 485। तो 485 तो 45 HP के ट्रैक्टर होते। हाँ। और ये 39 HP के ट्रैक्टर है, तो बड़े HP से छोटे HP में आए के कारण का रही आपके? अब ओकर वजह ये है कि मतलब वो भी रोटोवेटर चला लेते, ये भी रोटोवेटर चलाते हैं, और मैं छोटे किसान है तो वो ज़्यादा बड़े ट्रैक्टर नहीं रख करके छोटे ट्रैक्टर रखूँ। हाँ। और डीजल मेंटेन भी हुई इसे करके मैं यहाँ छोटे ट्रैक्टर ला हूँ। अच्छा, तो एक का ऐसे आपके खूबियाँ लगी कि आप सोनालिका के चुनाव करें, और सोनालिका खरीदे के पहली आप मार्केट में कौन कौन से ट्रैक्टर के पहली देखे हो खरीदे के पहली? एकर पहली मेरे पास एक ट्रैक्टर है महिंद्रा के। हाँ। और वहाँ भी गए हो तो वहाँ पता करें रेट वेट मोला थोड़ा सा ज़्यादा लगी समूह में। हाँ। और प्लस वो गाड़ी में मैं यहाँ रोटावेटर चला नहीं देखे रहे हूँ। अच्छा। मतलब कम HP में, और इसमें रोटावेटर चला देखे हो तो मोला अच्छा लगी कि इसमें मैं खेती किसानी काम भी कर लूँ, और प्लस ट्रांसपोर्टिंग में भी चल जाए, इसे करके मैं यहाँ एक ट्रैक्टर के चुनाव करें। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर में अभी कहाँ का इम्प्लीमेंट या अटैचमेंट आप चलाता हो? एमए अभी मैं यहाँ कल्टीवेटर चलाता हूँ, और रोटावेटर चलाता हूँ, और बस अभी तो फिलहाल वही है, और ट्रांसपोर्टिंग के काम करता हूँ। ट्रांसपोर्टिंग के काम करता हूँ। रेखराम भैया, जैसे आप कहा था कि आप ट्रांसपोर्टिंग भी चलाते हो जी, तो ट्रांसपोर्टिंग में पहले आइसर में भी यूज करते रहे हो? हाँ, वो मैं चलाते रहे हूँ। और एमए चलाते हो सोनालिका में, तो का कुछ फर्क मिला था आपका? एमए का है मोला ना हाइड्रोलिक पट्टी के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़े, एमए अलग से हाइड्रोलिक के लिए अलग से दे है ये वाला। हाँ हाँ, है ना। एमए का है ट्राली हा उड़ जाते और नीचे यही में होते, इसमें नांगर पट्टी के यूज करने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ। तो ये तो ये सुविधा है। और दूसरा हाँ। चीज वो सीट के नीचे जो दे है ना ये वाला। हाँ। वो में बंद चालू करे लगे HR में। हाँ। में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, वो बस सिर्फ लीवर से ही काम करे। हाँ, सब चीज लीवर से हो जाते हैं। किसान भाइयों, इला DCB बॉल के थे, और जैसे ट्रांसपोर्टिंग में जब चलना है तो दुर्घटना से बचे बर ओकर हाइड्रोलिक लॉक करे लगते, जो कि सीट के नीचे दे में दे होते। ओकर ये ट्रैक्टर में वो चीज की जरूरत नहीं है, काबर की DCB वॉल मिल जाते। और दूसरा चीज आप लोग बता दूं, एमा जो है पीछे तरफ अगर आप देखो तो ये DCB पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। ये पॉइंट लगाना और निकालना कितना आसान है कि कठिन हो? एमा नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान है। हाँ। और एमा सिर्फ पिन बस है, इला पीछे खींच के इला लॉक हो जाती है किसान भाइयों। और एमा हाइड्रोलिक ऑयल भी बहे नहीं, और आसानी से 1 सेकंड के काम है लगाना और निकालना। रेखराम भैया, आप जैसे ट्रांसपोर्टिंग के अलावा खेती भी करते हो, जैसे कि रोटावेटर और कल्टीवेटर, तो एमा के फीट के रोटावेटर चलाते हो, और खेती करे के बाद एमा का फर्क मिला थे आइसर और सोनालिका में? एमए में हाँ, अभी फिलहाल तो 5 फीट के रोटावेटर चलाता हूँ, और ये हाँ। पावर स्टेयरिंग है। हाँ। और वो सादा स्टेयरिंग रही से, तो वो में मोला थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगे स्टेयरिंग घुमाए उमाए में, और मैं आसानी से घूम जाते, और स्पीड भी बढ़िया लगते। हाँ हाँ, सेम लगते, मतलब वो ज़्यादा HP क्रीज, फिर भी एक कम HP के उतनी स्पीड एमए भी चला लेता हूँ, वो में भी उतनी स्पीड चलाती रही से। तो एमए मोला ना आरामदायक है, मतलब उतना ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ताकत की जरूरत नहीं है। हाँ। तो एक वजह से मोला बहुत बढ़िया लगी से। मतलब शाम तक अगर थकान देखा जाए तो एमा कम थकान है। और ओकर कारण भी किसान भाई आप लोग बता दो, जैसे कि एमा स्टीयरिंग में आप लोग एक्स्ट्रा नॉब मिल जाते ये वाला, जेकर आनंद ही अलग है, चलाए में बहुत स्मूथ लगते, और पावर स्टीयरिंग एमा तो मिले है, ब्रेकिंग में भी कोई फर्क मिले आप लोग? हाँ, ये ऑयल ब्रेकिंग है और सादा ब्रेकिंग रही से, वो सादा रही से। हाँ, तो एमए का है ब्रेक में मतलब ना बहुत बढ़िया लगते, कोई भी जगह मोड़े में तो साइड ब्रेक लगा के अपन तुरंत मोड़ सकता नहीं से टाइप से। अच्छा, जैसे क्या होता है कि खेत में हम चलाते हैं रोटावेटर में, तो जब राउंड लेके समय आते तब एक तरफ के ब्रेक दबा करता है, एक तरफ के ब्रेक दबा करता है, एकर कटिंग जल्दी होते कि का कुछ फर्क मिला थे? एमे कटिंग जल्दी होते, काबर ने ऑयल ब्रेक है, तुरंत ब्रेक लग जाते, और सादा ब्रेक कभी लगते कभी नहीं लगे, वो काहे कभी पानी चल देते तो चिपक जाते, ऐसे भी रहते उसमें। अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया है, ऑयल ब्रेक है, मस्त है। और जैसे ट्रांसपोर्टिंग में अगर आप ट्राली में लेगा तो ट्राली जब लोड रही थे ना, तब वो बहुत ज्यादा इंजन भी धक्का देते आगे की तरफ, तो ओमा ब्रेक ले में का फर्क पड़ते?
एमए तो वैसे ज्यादा धक्का नहीं दे, मतलब ब्रेक मारवे तो आसानी से रुकते, मतलब ट्रॉली भी कंट्रोल मिलते, कंट्रोल मिलते अंदर से, इसे एहसास होते कि मैं अतका स्पीड में चला तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा इसे। और ओकर अलावा किसान भाइयों, एमा कुछ कुछ फीचर्स मैं आप लोग बता दूं, ये सोनालिका के इंटरनेशनल DI-35 मॉडल जो कि 39 HP की कैटेगरी पे आते हैं, और साथ में किसान भाइयों एमा स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक बर दोनों पर अलग अलग एमा पंप दे गए हैं, 1800 रेटेड RPM में ये काम करते हैं, 3 सिलेंडर के इंजन है, ऑयल बर्थ वाला 3 स्टेज वाला एयर क्लीनर के साथ यह है, और एक टायर साइज 6/16 के फ्रंट टायर और 13/6/28 के रियर टायर वो भी कंपनी द्वारा मिले हैं भैया जो कि गुड ईयर कंपनी के एक अनकंडीशनल वारंटी वाले एमा टायर आप लोग देखे मिली। साथ ही किसान भाइयों एमा वाटर सेपरेटर देखे मिल जाते हैं, भैया वाटर सेपरेटर आपके पुराना आइसर में रीस है, ये जो वाटर सेपरेटर दे एमा ये आइसर में भी मिला आप लोग? हाँ ये आइसर में भी रीस है, आइसर में भी रीस है। किसान भाइयों वाटर सेपरेटर एक बहुत अच्छा फिल्टरेशन है जो डीजल में अगर थोड़ा बहुत पानी आ जाते ना ये नीचे से निकल जाते हैं पानी हल्का फुल्का रहते तो, हाँ हाँ ये जैसे अभी हल्का से है ये दे, हाँ ये निकाल लेते हैं, ये पानी हरे हल्का हल्का निकला थे, इनमें कचड़ा वचड़ा भी जो रहते ना वो है ना निकाल लेते नीचे से, रोक लेते हैं। ये देख सकते हो किसान भाइयों ये जो टपका थे ये हा एकर पानी है जो डीजल में थोड़ा थोड़ा सा पानी आ जाते और इंजन में डायरेक्ट जाए से रोक देते, वो वाटर सेपरेटर आप ला ये ट्रैक्टर DI-35 में देखे मिली आप ला। किसान भाइयों डीजल फिल्टर भी तो दे है लेकिन ओखर अलावा एमा वाटर सेपरेटर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब डीजल ला दो बार फिल्टर होके आते, ये आप देखा तो नीचे यहाँ पे डीजल फिल्टर वो भी डबल फिल्टर एमा लगे हुए और एक फिल्टर यहाँ लगे वाटर सेपरेटर जो पानी ला रोकते और डीजल फिल्टर है इंजन में कचरा जाए से रोकते और कुछ कचरा ला खुद वाटर सेपरेटर भी रोक देते। ओखर अलावा किसान भाइयों एमा आप हैवी ड्यूटी काम भी कर सकते हो, जैसे कि एमा ट्राली ढुलाना, कल्टीवेटर, रोटोवेटर भी जैसे कि भैया जी चला थे, साथ ही एमा डीजल कम खपत भी करते और कम डीजल खपत करे के साथ ताकत भी ये ट्रैक्टर में बहुत ही ज़्यादा देखे आप लोग मिलते। साथ ही भैया एक बार जैसे डीजल टैंक वगैरह की बात करूँ कि बहुत सारे किसान भाई परेशान होते कि बार बार डीजल भरवाए पड़ते, तो एमा इसे का चीज आप लोग लगा थे डीजल टैंक के मामले में? एक डीजल टैंक भी बढ़िया है, मतलब 55 लीटर इमें डीजल आ जाते है, और इमें रोटावेटर भी चलाते ना तो स्पीड बहुत अच्छा मिलते है, स्पीड अच्छा है रोटावेटर के, तो इमें मिट्टी काटे में आसानी होते और गाड़ी की स्पीड भी बढ़िया रहते है, गाड़ी की स्पीड काहे मिट्टी जल्दी कटी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ी, सही बात है, तो एकर से मोला बहुत फायदा है, रोटावेटर के स्पीड भी अंते गाड़ी से अच्छा है। अच्छा यू बताओ आप कि डीजल खपत बहुत सारा किसान भाई के जेब में भारी पड़ते, रोटावेटर कल्टीवेटर और ट्राली में का का अंदाजा आपके में डीजल खपत करते हैं ट्रैक्टर? जैसे कि मोर पास आईचा ट्रैक्टर है तो मैं हाँ उमे भी रोटावेटर चलाते रहे हूँ, एमा भी रोटावेटर चलाता हूँ, तो रोटावेटर यह है छोटे इंजन है वो बड़े इंजन है मोला सेम लगते, डीजल खपत हाँ सेम लगी से रोटावेटर में, और कल्टीवेटर में तो बहुत कम लगते हमें, वो हाँ ज़्यादा पियात रही से वो हाँ 4 लीटर के आसपास पियात रही से, यह 3 लीटर 3.25 लीटर के आसपास लेते हैं। बिल्कुल, और ट्राली में कतेक जात हुई रोड में चले में? यह रोड में खाली में तो 2.5 लीटर 3 लीटर के आसपास है। अच्छा, और लोड में 3 लीटर के आसपास। कल्टीवेटर और रोटावेटर में के RPM में आप इला ट्रैक्टर ला चलाते हो? इला वही 1600 RPM में चलाते हो, 1600 से 1700 जैसे मेंटेन करना है लोड के हिसाब से। आप देख सकते हो किसान भाइयों एमा आपला हाई स्पीड आपला कल्टीवेटर हाई स्पीड के देखे मिल जाते हैं, और ये कल्टीवेटर मास्टर भी इस इंजन ला बोला जाते हैं, और बहुत शानदार इंजन है किसान भाइयों। ए में कल्टीवेटर ला तो लो लगाए की जरूरत नहीं पड़े, वो फर्स्ट गियर में हाई में ही चलाता हूँ मैं, हाँ और अदर गाड़ी ला तो हम लो तीसरा में चलान एला में हाई में ही चलाता हूँ। अच्छा, बाकी ट्रैक्टर में लो के हाई गियर लगे, मतलब लो के टॉप बोले? हाँ, लो के तीसरा नंबर में चला, टकरों में तीसरा चौथा ऐसे टाइप पे, तो टॉप और एम एन आर हाई के फर्स्ट टाइम ही चलते हैं। ओके, ठीक है रेख राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ला एक आखिरी जानकारी और मैं आपके माध्यम से किसान भाई देना चाहता हूँ, ये ट्रैक्टर की कीमत का पड़ी आप ला? एकर कीमत हाँ मोला वही पड़ी से 6.25 लाख। 6.25 लाख रुपए के कंप्लीट? इंजन बस ले आए हो कि ओकर संग और कुछ मिली आप ला? नहीं, इंजन बस ला, खाली इंजन बस 6.25 लाख में पूरा पेपर वगैरह इंश्योरेंस सारा चीज हाँ, मिला के आप लोग मिली से। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिले हुए और सीखे मिली सो ही कि मार्केट में का कुछ देख के ट्रैक्टर ले जाते और कैसे उपयोगिता के साथ ट्रैक्टर के चुनाव किए जाते। बहुत बहुत धन्यवाद रेखराम भैया, नमस्कार, फिर मिलते हैं किसान भाइयों इसी नेक्स्ट और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
प्रशंसा पत्र पर विचार और राय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के हैं और हमारे विचारों और राय को नहीं दर्शाते हैं। अनुभवी विशेष उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत है और जरूरी नहीं कि वे इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि हो। हम उनके उत्पाद उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र को कवर करने और उसी के लिए कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए कंपनी से जुड़े हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र शामिल है उन्हें कंपनी या हमसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है।